ongoing thing. सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जो मेरा जो बोल जो कविता का जो शीर्षक है वो है मैं बोल पड़ा। क्या? मैं बोल पड़ा। कोई भी इंसान जब बोलता है तो कुछ कल्पनाएं, कुछ सोच, कुछ विचार उसके मन में आते हैं, और एक सामान्य से इंसान भी जब बोलने लगता है तो सुनिए किस प्रकार से बोलता है, विचारों की ताकत क्या होती है। उसके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, कल्पना करनी अच्छी बात है, कल्पना करनी अच्छी बात है, कल्पना विचारों में व्यतीत होती है और विचार हमारे कर्मों में बदल जाते हैं। इसलिए जो मेरी जो कविता है वो एक विचारों की आस पे है, इसलिए मैं आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूंगा। शौक नहीं था कभी इस प्रकार महफिलों में बोलने का, शौक नहीं था कभी इस प्रकार महफिलों में बोलने का, पर समय ने कोड़ा ऐसा मारा बोल पड़ा मैं बेचारा। शौक नहीं था कभी इस प्रकार महफिलों में बोलने का, समय ने कोड़ा ऐसा मारा बोल पड़ा मैं बेचारा। लोकतंत्र के सौदागरों के बीच जनतंत्र की भीड़ में, लोकतंत्र के सौदागरों के बीच जनतंत्र की भीड़ में भटक रहा हूँ मैं जैसे पागल सांड आवारा, भटक रहा हूँ मैं जैसे पागल सांड आवारा, भटकते भटकते राह मिली तो बोल पड़ा मैं बेचारा। राजनीति के गलियारों में जब महानिकम में कूद उठते हैं, राजनीति के गलियारों में जब महानिकम में कूद उठते हैं, जो खुद ही पुतले हैं दूसरों के पुतले फूंक उठते हैं। राजनीति के गलियारों में जब महानिकम में कूद उठते हैं, जो खुद ही पुतले हैं दूसरों के पुतले फूंक उठते हैं। कुछ निकम्मे पुतलों ने मुझ पर कसकर थप्पड़ मारा, सिकते सिकते कुछ संभला तो भूल पड़ा मैं बेचारा। सोचकर इनको लगा मुझको, देखकर इनको लगा मुझको, बंदूकों और बाहुबल से यहाँ अब कुछ गूंगे भी बोल उठते हैं। सोचकर और देखकर लगा इनको, बंदूकों और बाहुबल से यहाँ अब कुछ गूंगे भी बोल उठते हैं। सोचता रहा रात भर मन में, फिर आवाज लगाई पूरे तन मन में, झांका अपना इतिहास और पता चला भारत का इतिहास रहा है, भारत का इतिहास रहा है। विचारों के दम पर अक्सर यहाँ सिंहासन जोर उठते हैं। फिर मेरे मन में एक विचार आया जैसे पूरब का उगता तारा, मन में थोड़ा हलचल आई और बोल पड़ा मैं बेचारा। सोच लिया है अब मन में करना बहुत कुछ इस जीवन में, सोच लिया है अब मन में करना बहुत कुछ इस जीवन में, लेकर विचारों की एक आशा, धूप के जंगल में नंगे पांव भटक रहा हूँ भूखा प्यासा, उड़ते बादलों के बीच जैसे हल्की वर्षा की धारा, इस वर्षा की धारा से एक नया अंकुर फूटेगा, अंकुर अंकुर फूटेगा, वृक्ष उगेंगे फल उपजेंगे, और इसी फल की आस में बोल पड़ा हूँ मैं बेचारा, बोल पड़ा हूँ मैं बेचारा। धन्यवाद।